सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास एक आईपैड का 10th जनरेशन जो कि मैंने अभी ब्रांड न्यू नया ही खरीदा हूँ, ठीक ना। तो गाइस इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग किसी भी आईपैड को, ठीक ना, या फिर चाहे 10th जनरेशन हो या 9th जनरेशन कोई भी आप लोग ले रखे हो, उसका फुल सेटअप आप लोग को कैसे करना है, विथ आप लोग को एप्पल आईडी कैसे बनाना है, ये सब कुछ आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग को अपना पावर बटन जो होता है आईपैड का उसको दबा के रखना है एंड कुछ ही टाइम में ऑन हो जाएगा। तो बस आप लोग को वेट करना है, यहाँ पर लोगो वगैरह आ चुका है तो आप देख पा रहे गाइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसके बाद आप लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, सिंपली आप लोग को यहाँ पर कहता है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। तो अब आप लोग को लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक ना, आप लोग जो भी लैंग्वेज है। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरह से आता है, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए रहता है कि आप लोग कहाँ रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो सिंपली उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया आप लोग को सेलेक्ट कर लेना खोज के। क्या जैसे इंडिया पर क्लिक कर दो, थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लगा, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है क्योंकि सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद आप लोग को इस तरह से अपीयरेंस का ऑप्शन आता है, तो आप लोग को क्या करना है, डिफॉल्ट पे रहने देना है, ठीक। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर क्विक स्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो आप लोग को यहाँ पर दिखेगा सेटअप विदाउट अनदर डिवाइस इस तरह से, तो आप लोग को सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आप लोग को स्पोकन लैंग्वेज का कुछ ऑप्शन आता है, तो आप लोग को यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को चूज ए वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन आता है, तो आप लोग को क्या करना है, अब एक वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, ठीक ना। कोई भी वाईफाई आप लोग अपने आईपैड में कनेक्ट करना पड़ेगा तभी काम करेगा। तो सिंपली इसके लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपके जिस भी फ़ोन में वाईफाई है उसका हॉटस्पॉट वगैरह ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उस वाईफाई के ऊपर क्लिक करके उसका पासवर्ड देके कनेक्ट कर लेना। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस वाईफाई का पासवर्ड दे देता हूँ। तो उसके बाद आप लोग के ऊपर ज्वाइन का ऑप्शन दिखता है कनेक्ट करने के लिए, तो ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ज्वाइन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई से, एंड उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा इट मे टेक्स ए फ्यू मिनट टू एक्टिव योर आईपैड, ठीक ना। तो आप लोग को कुछ मिनट तक वेट करना है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, आप लोग को बस वेट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से डाटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो आप लोग को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा सेटअप आईपैड, आप लोग को यहाँ पर दिखेगा सेटअप फॉर माई सेल्फ, इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आप लोग को टच आईडी यानी कि यहाँ पर आप लोग को बोलता है कि आप लोग जो है ना फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा सकते हो साथ ही साथ, क्योंकि इस वाले आईपैड के अंदर जो फिंगरप्रिंट का भी सिस्टम दे रखा है, तो आप लोग चाहो तो इसको लगा सकते हो या फिर आप लोग इस चीज़ को बाद में अपने जो आईपैड का सेटिंग होता है उससे भी आप लोग जाकर के लगा सकते हो। तो मैं इस चीज को बाद में करूंगा, तो यहां सिंपली दिख रहा है सेटअप टच आईडी लेटर पे मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आता है आर यू श्योर वन टू इस तरह से आता है, ठीक ना। तो आप लोग सच में अभी टच आईडी यूज नहीं करना चाहते हो तो आप लोग सिंपली डोंट यूज पर क्लिक कर देना, इस चीज को आप लोग बाद में सेटिंग से भी कर सकते हो। यहाँ पर अब दिखता है क्रिएट एन एपड आईपैड पासवर्ड, ठीक ना। अब आप लोग को अपने जो है आईपैड के लिए एक पासवर्ड बनाना होता है, यानी कि जो स्क्रीन लॉक के लिए पासवर्ड रखना चाहते हो वो आप लोग को एक बार दे देना, फिर से आप लोग को कहेगा वेरीफाई करने के लिए दोबारा देने के लिए, तो आप लोग को दोबारा से फिर से सेम पासवर्ड दे देना। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आप लोग देख पा रहे हो ऊपर में यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो बस आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है, तो आप लोग को कोई डाटा वगैरह ट्रांसफर करना है पुराने आईफोन या आईपैड से तो वो चीज़ कर सकते हो, साथ ही साथ नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर दिखेगा नीचे में डोंट ट्रांसफर एनीथिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस इसका मेन हो जाता है एप्पल आईडी क्रिएट करना, यानी कि जब तक आप लोग एप्पल आईडी नहीं बनाओगे तो इसके आगे आप लोग बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक ना। तो आप लोग को सिंपली एप्पल आईडी बनाने के लिए यहाँ पर आप लोग को दिखता है बहुत सारा ऑप्शन। अगर आप लोग को एप्पल आईडी पहले से बना रखे हो तो इसमें आप लोग को सारी चीज़ फिल करना है, लॉग इन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एप्पल आईडी फर्स्ट टाइम बना रहे हो या फिर आपके पास एप्पल आईडी है ही नहीं पहले से, तो सिंपली यहाँ पर दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड और डोंट हैव एन एप्पल आईडी, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके अपना एप्पल आईडी बना सकते हो। तो जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को तीन अलग अलग ऑप्शन दिखेगा, लेकिन लास्ट का जो दो ऑप्शन है इसमें आपको बता रहा हूँ क्रिएट ए फ्री एप्पल आईडी, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग साथ ही साथ एप्पल आईडी क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ लास्ट में दिखता है सेटअप लेटर इन सेटिंग, यानी कि आप लोग जो है बाद में सेटिंग से करना चाहते हो एप्पल आईडी बनाना चाहते हो तो आप लोग को थर्ड वाला जो तीसरा ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना। तो गाइस मैं इस वीडियो में ना आप लोग को साथ ही साथ बता रहा हूँ कैसे आप लोग एप्पल आईडी बनाना है, तो इसके लिए क्रिएट ए फ्री एप्पल आईडी पर क्लिक कर देना है। गाइस इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है नेम एंड डेट ऑफ बर्थ का, सिंपली आप लोग को फर्स्ट नेम पर क्लिक करके आप लोग को नाम दे देना अपना, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ सोनू। उसके बाद आप लोग को लास्ट नेम ऑप्शनल आप लोग दे भी सकते हो, नहीं भी देखो चलेगा, तो यहाँ पर मैं कुमार डाल दिया। उसके बाद आप लोग को पूछता है डेट ऑफ बर्थ देने के लिए, तो आप लोग को इसको अच्छे से डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है फिल कर देना है कुछ इस तरह से नीचे ऊपर करके, ठीक ना। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक कर तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पर दिखता है एप्पल आईडी का ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। अब आप लोग एप्पल आईडी को दो चीज़ से बना सकते हो, यूज ए फोन नंबर से बना सकते हो या फिर ईमेल एड्रेस से भी बनाना चाहते हो तो ईमेल से भी बना सकते हो, बस उस पर एक ओटीपी आता है जो कि आप लोग को देना होता है। मैं बोलूँगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप लोग फोन नंबर से बनाइएगा, सही रहेगा। तो सिंपली फोन नंबर मैंने चूज कर दिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर वो फोन नंबर टाइप कर देना है जिससे आप लोग बनाना चाहते हो, ठीक, वो चालू होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली नंबर देने के बाद यहाँ पर
आप लोग को दिखता है कंटिन्यू का ऑप्शन, देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर मैंने फिल कर दिया, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। गाइस जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक ना, तो आप लोग को बस यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। इस फोन में तो सॉरी इस आईपैड में तो नहीं लगा हुआ है, ठीक ना, सिम कार्ड डलता ही नहीं, तो मैंने एक दूसरे फोन जो एंड्रॉयड है उसमें जो सिम कार्ड डला हुआ उसका नंबर दिया एंड यहाँ पर ओटीपी आ गया। मैं सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, देख पा रहे होंगे। तो क्या जैसे ओटीपी देखो तो वेरीफाई ले लेगा, आप देख पा रहे हो वेरीफाई ले लिया। यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन अब आ जाता है, एप्पल आईडी के लिए पासवर्ड बनाना होता है। तो अब आप लोग को दो बार जो है सेम पासवर्ड देना है एप्पल आईडी के लिए, ठीक है, इसमें भी दे देना है आप लोग को 8 अंक का पासवर्ड, नीचे भी 8 अंक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पर जो पासवर्ड होता है ना तो पासवर्ड मस्ट भी बोल रहा है एटलीस्ट 8 करेक्टर, कम से कम 8 का होना चाहिए, इंक्लूड ए नंबर, नंबर भी होना चाहिए और अपर केस और लोअर केस भी यूज होना चाहिए और कुछ सिम्बल्स भी, जैसे छोटी अक्षर बड़ी अक्षर और नंबर भी, साथ ही साथ कुछ सिम्बल्स भी यूज करके आप लोग को बनाना है पासवर्ड, ठीक ना, ताकि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाए। तो मैं यहाँ पर देख पा रहे पासवर्ड में दे देता हूँ, उसके बाद नीचे वाले पर क्लिक करके आप लोग को वेरीफाई करने के लिए सेम वही पासवर्ड दे देना जो आपने ऊपर में दिया, ठीक ना। उसके बाद सिंपली यहाँ पर दिखता है कंटिन्यू का ऑप्शन, आप लोग को कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लगा पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन देखने के लिए मिल जाता है आईपैड का, आप लोग चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ठीक ना। तो सिंपली यहाँ पर एग्री का ऑप्शन आता है, एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे एग्री पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर 1-2 मिनट का लोडिंग लेगा, हो सकता है ये 2-3 मिनट का भी ले ले, तो आप लोग को बस इसको वेट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, अपडेट योर आईपैड ऑटोमेटिकली। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका आईपैड जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए तो सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना। अगर चाहते कि ऑटोमेटिक अपडेट ना हो, आप लोग जब करना चाहो तभी हो, तो उसके लिए नीचे में दिखता है ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिकली, ठीक ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद लोकेशन सर्विसेज का ऑप्शन आता है, तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पर सेटअप लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे सेटअप लेटर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिखता है, ओके पर क्लिक करना, देन यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब उसके बाद यहाँ पर सिरी का ऑप्शन आता है, जैसे कि आप लोग एंड्रॉइड में बोल के सर्च करते हो गूगल में, उसी तरह से यहाँ पर सिरी का ऑप्शन दे रखा होता है। तो अगर आप लोग इसको करना चाहते हो तो कंटिन्यू पर क्लिक करना या फिर सेटअप लेटर इन सेटिंग, यानी कि आप लोग बाद में सेटिंग से भी इसको कर सकते हो। उसके बाद स्क्रीन टाइम, इसको भी आप लोग सेटअप लेटर इन सेटिंग पर क्लिक कर देना, ये सब आप लोग बाद में सेटिंग से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर एनालिटिक्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर बोल रहा होता है कि अगर आप लोग कुछ भी चीज़ चलाते हो जो कि आप लोग का डाटा होता है वो आप लोग शेयर करना चाहते हो एप्पल के साथ, नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर दिखता है डोंट शेयर, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर दिखता है लाइट और डार्क डिस्प्ले, आप लोग कैसा डिस्प्ले रखना चाहते हो, डार्क यानी कि जो ब्लैक दिखता है और लाइट यानी कि जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, अगर ऐसा रखना चाहते हो सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आता है वेलकम टू आईपैड, इसका मतलब आपका जो आईपैड में सारा सेटअप अप हो चुका है। सिंपली यहाँ पर दिखता है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग को कुछ एप्लीकेशन जो डाउनलोड नहीं रहता ऑटोमेटिकली, जैसा कि आप लोग देख पा रहे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक ना, कलर में नहीं दिख रहा है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली इसके ऊपर आप लोग को एक बार टैप करना है डाउनलोड करने के लिए, ठीक ना, और वहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो आप लोग को इंस्टॉल कर देना, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। देख पा रहे ये सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है क्लिक कर करके, ठीक है, जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर जाए तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से आप लोग किसी भी आईपैड के अंदर जो अपना एप्पल आईडी बना सकते हो और पूरा सेटअप भी फुल सेटअप कर सकते हो। और गाइस जाते जाते आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बता, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है ना आप लोग अपने आईपैड के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, तो आप लोग कैसे करोगे उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो उसके लिए जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उस वीडियो का लिंक दे रखा हूं कि कैसे आप लोग जो है कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने आईपैड के अंदर। तो गाइस आशा करता हूं आप लोग वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।